मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि हरदा जिले के बहुचर्चित अनिल मार्णिक हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। पटेल ने कहा, चाहे कांग्रेस कितनी भी आरोपियों का साथ दे ले, हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस नेता डॉक्टर आर के दोगने, जिला अध्यक्ष कांग्रेस ओम पटेल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हरदा जिले की हंडिया तहसील के बहुचर्चित अनिल मार्णिक हत्याकांड में हत्यारों का साथ दिया है। जब जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम हत्या के आरोपी के घर पर उसकी गिरफ्तारी और अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए अपने अमले के साथ पहुंची, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पुलिस कार्रवाई में रुकावट डाली और कांग्रेसी नेता हत्यारों के साथ हो गए और गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ठंडे अब पढ़ो, अभी आपका मुकाबला मंत्री जी से ज्यादा था, अभी मंत्री जी का पावर था आपको। नहीं, मंत्री जी का पावर था। हमको किसी का नहीं रहता, हमको हमारे सीनियर अधिकारी एसडीएम मैडम कलेक्टर साहब का जो निर्देश होते हैं हम वैसे वैसे ये क्या? निर्देश का सिंगल निर्देश है क्या? कोई निकल गया है ऑर्डर हमारे अकेला ने ना कर दो, आवश्यकता मैंने कहा ऑर्डर नहीं, ये काम की जरूरत थी, एनएच को आवश्यकता का रिक्वायरमेंट, फिर एक मकान की जरूरत थी। अच्छा चलो, आप तो क्या सुन नाम आशीष मिश्रा जी, आपके पास एनएच का कोई ऑर्डर है कि हमको ये रिक्वायरमेंट है? आपके पास अभी आप तोड़ने आए, उसका कोई डॉक्यूमेंट लेके आए? हमने 50 बार उसको बोल चुका, एनएच क्यों बोल चुका, आपके अधिकारी क्यों बोल चुके, कैंप लगाइए, कैंप लगाए उसको निराकरण करिए, निराकरण कुछ करने न हो कब्जा करने आ जाओगे तो ऐसे कर सुनाई। बहुचर्चित अनिल मार्णिक हत्याकांड के बाद से इस इलाके में रोष है और लोग चाहते हैं हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि चाहे कांग्रेस का हाथ कितना ही हत्यारों के साथ हो, लेकिन हम दोषियों को सजा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। हरदा जिले के हंडिया तहसील के चिराखान निवासी अनिल मार्णिक की हत्या के मामले में पुलिस हत्यारे के घर, प्रशासन हत्यारे के घर पहुंचा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, गिरफ्तारी और अवैध अतिक्रमण तोड़ने। लेकिन कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक डॉक्टर आर के दोगने, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम पटेल और बाकी कांग्रेस के नेता सब इकट्ठे होकर हत्यारे के पक्ष में खड़े हुए और पुलिस प्रशासन का कार्रवाई का विरोध किया। इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस का हाथ हत्यारों के साथ, इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पुलिस प्रशासन और कानून अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का कितना बड़ा नेता क्यों न हो या कोई भी हो, अपराधी अपराधी है और इसलिए अपराधी को सजा दिलाना सरकार और प्रशासन का दायित्व है, वो दायित्व पूरी तरह से प्रशासन निभा रहा है। मैं कांग्रेस के नेताओं दोगने और जिला अध्यक्ष उनकी घोर निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार किसी के दबाव में नहीं आएगा, दोषी और हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।